यूपी विधानसभा चुनाव की शुरुआत में आम जनता के दबाव में आकर अखिलेश यादव ने माफिया मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी से टिकट नहीं दिया था, बल्कि इसके बजाय अपने गठबंधन साथी ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा से टिकट दिलवाने का वादा किया। आखिरकार जब माफिया मुख्तार अंसारी ने अपनी जगह अपने बेटे को सुभाषपा के टिकट पर खड़ा कर दिया तो समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव उनके लिए रैली करने मऊ आ गए। अखिलेश यादव ने इस रैली में माफिया मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना कहा कि गऊ और मऊ को सताया गया है। चुनावी जानकारी से मुख्तार अंसारी के लिए अखिलेश यादव का छुपे तौर पर समर्थन बता रहे हैं। जहां चुनाव के पहले अखिलेश अपनी पार्टी को माफिया और बाहुबली के समर्थन से दूर रहने का दिखावा कर रहे थे, वहीं चुनाव के आखिरी चरण तक खुद ही उन सबके समर्थन में उतर आए हैं। अखिलेश ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जितवाने की अपील भी की। इस दौरान मुख्तार का बेटा अखिलेश के पास खड़ा होकर ताली बजाता हुआ नजर आया। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वैसे तो हम लोग गंगा मैया का पानी हाथ में उठाकर सच बोलने की शपथ लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग गंगा के पानी में स्नान करने के बाद भी झूठ बोलते हैं। कहने को तो बीजेपी दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दुनिया में कोई पार्टी इतना झूठ नहीं बोलती होगी। हालांकि अखिलेश यादव खुद कितने बड़े झूठे हैं ये उन्होंने मंच पर ही मुख्तार अंसारी का समर्थन कर साबित कर दिया। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मऊ के लोगों ने भाप निकालने की तैयारी कर ली है। मऊ के लोग तो इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने वहीं छुट्टा जानवरों का मुद्दा फिर से बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का वोट साढ़ चर गए कि नहीं चर गए, अब कुछ लोग पछता रहे हैं। इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। गऊ और मऊ दोनों को सताया कि नहीं इन्होंने? बहरहाल किसने जनता को कितना सताया और किसने मरहम लगाया है, इसका फैसला जनता खुद 10 मार्च को चुनाव परिणाम के साथ सुना देगी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।